शहर के और प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोग इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इस बात को लेकर कर रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत सरकार को मिले तो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर सरकार एक आम आदमी के हितों की रक्षा करने के लिए नियम कायदे बनाती है, लेकिन कई बार प्रभावशाली लोगों का दखल इतना होता है कि प्रशासनिक अधिकारी कोई मजबूत फैसला नहीं कर पाता। मामला कहां का है और इस मामले से क्या असर होगा, इसे बताने की मैं कोशिश करने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। कुमाऊं मंडल के नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले सबसे ज्यादा प्रभावशाली जिले माने जाते हैं कुमाऊं मंडल में, और देहरादून यानी राजधानी में भी इनका अच्छा खासा दखल है। पिछले कुछ महीनों से यहां पर कुछ लोग मिलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी एक मांग कर रहे हैं। पहले ये समझिए कि ये लोग हैं कौन। शहर के और कुमाऊं मंडल के सबसे ज्यादा प्रभावशाली रियल एस्टेट कारोबारी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने वाले, जोरदार तरीके से अपनी बात सदन तक पहुंचाने वाले लोग हैं। एकजुट हो गए काशीपुर, रामनगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, भीमताल, नैनीताल, यहां के ये सारे लोग इकट्ठे हुए और इनकी मांग है कि रेरा में इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये वो अथॉरिटी होती है जो किसी भी हितधारक के हितों की रक्षा करती है। यानी अगर आपने कोई बिल्डिंग में, किसी अपार्टमेंट में कोई फ्लैट खरीदा है और उसके संदर्भ में आपकी कोई कंप्लेंट है और रियल एस्टेट कारोबारी या अपार्टमेंट का मालिक आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप अपनी शिकायत रेरा में कर सकते हैं। देहरादून में रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स ही कामयाब होते हैं, लोग उन्हीं में निवेश करते हैं। अगर कोई शिकायत होती है तो वहां पर शिकायत दर्ज की जाती है। लेकिन हल्द्वानी और उधम सिंह नगर, या कह लीजिए नैनीताल और उधम सिंह नगर के बड़े कारोबारी इस रजिस्ट्रेशन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और आश्चर्य तो इस बात का है कि जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी शायद ऐसे प्रभावशाली लोगों के दबाव में आ गए हैं, और यही वजह है कि अभी तक बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स इस क्षेत्र में हैं जिनका रजिस्ट्रेशन रेरा में नहीं हुआ है। और जब रेरा में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होती है या दबाव बनता है तो इस तरीके के धरने प्रदर्शन दिखाई देते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी बात बहुत मजबूती से मनवाने के लिए जाने जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देहरादून के साथ साथ उधम सिंह नगर और हल्द्वानी में भी कई लोगों ने प्रॉपर्टी में निवेश किया है। निवेश ऐसा जो हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट कल्चर की तरफ बढ़ता है। ऐसे में राज्य सरकार की भी कोशिश होती है कि एक कॉमन मैन, आम आदमी को कोई दिक्कत ना हो। रेरा ने भी कई जगह सख्ती दिखाते हुए जो रियल एस्टेट कारोबारी हैं उन पर कई तरीके के निर्देश जारी किए हैं, लेकिन यह निर्देश हल्द्वानी और उधम सिंह नगर में जारी नहीं होता। इन रियल एस्टेट कारोबारियों के साथ कुछ बड़े तथाकथित किसान भी जुड़ गए हैं, और खुले रूप में देखिए किस तरीके से ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। प्रभावशाली लोगों का प्रदर्शन हमेशा प्रभावशाली ही होता है, लेकिन इनके दबाव में अगर सरकार या प्रशासनिक अधिकारी आ जाएं, तो इससे एक आम आदमी के हितों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अगर रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं है और अपार्टमेंट में आपने कोई अपार्टमेंट, कोई फ्लैट ले लिया है और बिल्डर या अपार्टमेंट मालिक से आप कोई शिकायत करना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन के संदर्भ में या कोई और, तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। लेकिन अगर रेरा में रजिस्ट्रेशन होता है तो आप रेरा में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और रेरा एक ऐसी अथॉरिटी है जिसका निर्देश मानने के लिए
बिल्डर या अपार्टमेंट ओनर या रियल एस्टेट कारोबारी बाध्य होता है, और इसी बाध्यता से बाहर रहने की कोशिश ये तमाम प्रभावशाली लोग कर रहे हैं। लेकिन शहर के कुछ ऐसे जागरूक लोग भी हैं जिन्होंने अपनी दरखास्त रेरा के ऑफिस तक और सरकार के मजबूत अधिकारियों तक पहुंचा दी है। अब देखना यह है कि सरकार ऐसे मजबूत रियल एस्टेट कारोबारियों की बात को सुनती है या फिर एक आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए रेरा के जरिए ही तमाम गतिविधियों को संचालित करने की बात करती है। एक बात आपको और बताऊं, जो प्राधिकरण होता है, चाहे वो एमडीडीए मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे एचडीआरए हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे वो कोई भी जिला विकास प्राधिकरण हो, चाहे वो नैनीताल में झील विकास प्राधिकरण हो, इनका काम सिर्फ बिल्डिंग इमारतों के बनाने तक ही सीमित होता है। यानी उनकी जिम्मेदारी वो किस तरीके से बन रही हैं, उसका डिजाइन ठीक है डिजाइन ठीक नहीं है, उस तक ही सीमित होता है। एक आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए रेरा ही एक मजबूत अथॉरिटी होती है। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।